हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर स्टडी पॉइंट। चैलेंजिंग सीरीज के डे 133 में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज यानी चैलेंजिंग सीरीज का एक बेहतरीन सवाल देखेंगे। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं कंप्यूटर महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि स्क्रीन को थोड़ा सवाल को थोड़ा स्क्रीन पर ला दें, ठीक है। तो देखो सवाल क्या है, हम लोग का सवाल में क्या बोलता है। मिस्टर राम इज परस्यूइंग हिज मास्टर डिग्री इन सिक्योरिटी मार्केट्स। मिस्टर राम जो है अपना मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं किसमें, सिक्योरिटी मार्केट्स में, ठीक है। 8 years after the completion of his master degree, 8 years के बाद जब उसकी master degree खत्म हो जाएगी, he wanted to start his business of his own, वो अपना एक नया business, अपना खुद का एक business शुरू करना चाहता है, ठीक है। To establish his business, he requires to invest ₹3,000. अपना business establish करने के लिए उसको कितने हजार रुपए की जरूरत है, 3,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है। Which is expected to give him a return of 6% compounded annually, ठीक है। वो compound interest के तहत 6% क्या होगा annually वो return pay करेगा। मतलब क्या है कि 3,000 हर साल जो है 6% से क्या होगा, increase करता जाएगा with compounded, ठीक है। यानी कि जितना increase करा उस पर भी increment होगा। यानी कि rate of interest क्या है हमारा, 6% है with CI, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दे रखा है। If the expected number of years by which his investments are double in sum is 72/r, ठीक है। यानी कि उसका amount जो है वो 3,000-6,000 में कब बदलेगा, यानी 2 times वो कब होगा, in 72/r में आ गया, ठीक है। वो 2 times कब होगा, 72/r year में वो कितना हो जाएगा, 2 times होगा। तुम ध्यान दो यहाँ से आगे क्या दे रखा है तुम्हें। Where r is the परसेंट रेट इंटरेस्ट, ठीक है। वहाँ आर क्या है, परसेंट रेट इंटरेस्ट है, जो कि 6% है। 6 से काट देंगे तो 12, यानी कि 12 साल में जो है ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 times हो जाएगा। तो जब 12 साल में 2 times हो जाएगा तो तुम बोल सकते हो थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे कि 24 साल में ये क्या हो जाएगा, 2 into 2 times, ठीक है, दैट इज 4 times। यानी जितनी बार 12 मल्टीप्लाई में होगा, मतलब जितनी बार 12 वो इंक्रीज करेगा 12 साल, उतना टाइम्स वो क्या होगा डबल होता है, उतना सेम टाइम्स वो क्या होगा डबल होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या बोला सवाल में कि 60 years में जाना है। 60 years जाने का मतलब क्या है, 12 से 5 गुना करेंगे तब 60 आएगा, यानी कि 2 times कितनी बार बढ़ेगा वो, 2, 2, 2, 2 and 2, यानी कि 5 बार, यानी 2 के पावर क्या हो गया, 5, दैट इज नन अदर देन 32 times। यानी 60 years में क्या हो जाएगा वो, 32 times हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आगे का और क्या दे रखा है। द एक्सपेक्टेड टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही पूछा हमसे सवाल में, His business 60 year later is, जो इन्वेस्ट करेगा 60 साल के बाद वही क्या अमाउंट हो जाएगा ये तुम्हें बताना है। तो तुम्हें मालूम है 60 साल में वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 32 times हो जाएगा। जब 60 साल में वो 32 times हो जाएगा तो तुम्हारा अमाउंट कितना था, 3,000 था। आफ्टर 60 years जो है ये क्या हो जाएगा, 3,000 into में क्या 32, दैट इज नन अदर देन 96,000 rupees, एंड योर आंसर इज 96,000, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का सवाल का जवाब जो है वो 96,000। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसका दूसरा मेथड क्या है हम लोगों का, कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं दूसरे मेथड के लिए, कि जैसे यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच क्या है हम लोगों का, कि हमें ये मालूम हो गया था कि 12 साल में जो है ये क्या हो रहा है, 2 times हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट एक डायग्राम है यहाँ पे, 60 times आने के लिए, 60 year आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 into 5 years, 12 में जितना बार हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया उतना ही यहाँ पे क्या चढ़ा देना है हम लोगों को, पावर चढ़ा देना। तो 2 to the power 5 times, that is none other than what, 32 times, ठीक है। अब फिर 32 times आए तो सेम प्रोसेस यहाँ पे लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 32 times, और यही तुम्हारा आंसर है 32 times। उम्मीद करते हैं ये सवाल तुम लोगों को क्लियर होगा। मिलते हैं अगले सवाल के साथ नए वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।